वो चले जाए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका जो आठवां प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, यदि हम इस फंक्शन की बात करें, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो फंक्शन है आपका एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल जीरो। ठीक है, मतलब एक्स जीरो के बराबर नहीं है तब आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, और यदि एक्स जीरो के बराबर है तब हमें क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें ये जो फंक्शन है इसका हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो फलन है फंक्शन है आपका किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसके तीन पॉइंट हैं होंगे आपके, पहला तो x इक्वल जीरो, इसके बाद x लेस देन जीरो, इसके बाद ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ देख लेते हैं, एट एक्स इक्वल जीरो पर हम ये देख लेते हैं कि जो आपका फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे क्योंकि ऑसिलेटरी फंक्शन है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो माइनस। इसके बाद क्या करेंगे हम, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप, क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, एच एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच। ठीक है, तो जीरो में से हम एच घटाएंगे तो जो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो से कम मिलेगा, जीरो से कम मिलेगा मतलब निगेटिव मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, निगेटिव मतलब ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, तो यदि एक जीरो के बराबर नहीं है तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, जब निगेटिव आपका फंक्शन है तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच लिखेंगे मॉड ऑफ बाई, नीचे क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए जीरो में से एच घटा रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, निगेटिव है तो आप जानते हैं यदि एक्स का वैल्यू जीरो से क्या है, छोटा है, तो जो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू होता है वो होता है माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और इसके बाद जीरो माइनस एच, देखिए माइनस लगा दिया, एक्स का सॉल्व क्या है, जीरो माइनस एच ऐसा लिख दिया, बाई क्या है, जीरो माइनस एच। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जीरो बाहर है जीरो अंदर छोड़ देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ध्यान लिख लेंगे लिमिट, ठीक है, लिमिट एच एच टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच मिला बाई जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, तो एच एच टेंड्स टू जीरो, तो एच में से एच एच में एच से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा माइनस वन, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, माइनस वन। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड लिमिट भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एच एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, यही नियम है, ठीक है, रूल है आपके। इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच लिखेंगे एज एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, एज एच टेंड्स टू क्या मिला आपको, जीरो मिला। ठीक है, जब ये जीरो मिला, अब देखिए जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच, जब हम जीरो में एच जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आएगा जीरो से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, जीरो से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जब एक्स जीरो ज़्यादा आएगा मतलब जीरो बराबर है नहीं तो हम क्या लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो लिमिट, ठीक है, ऑफ द वैल्यू जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच बाई क्या है, जीरो प्लस एच एज एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, क्या लिखें, जीरो प्लस एच क्या मिला, एच मिला। ठीक है भाई, जीरो एच जोड़ेंगे तो एच, नीचे भी एच,
इसका वैल्यू क्या मिला 1। हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट क्या मिला 1। तो यहाँ हम देख लेंगे, देख रहे हैं कि दोनों सेम नहीं है। जब आपका लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल जीरो पर। लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज क्या है, डिसकंटिन्यूस, क्या है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल जीरो। मतलब ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है, एक्स इक्वल जीरो पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो ऐसा आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो रहे आपके एक्स इक्वल जीरो पर। अब क्या कर लेते हैं, लेस देन जीरो पर ले लेते हैं और ग्रेटर देन जीरो पर ले लेंगे, ठीक है। तो यदि प्रॉब्लम है तो आप सब स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम लेस देन जीरो पर लेते हैं और ग्रेटर देन जीरो पर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन जीरो पर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, एट एक्स इक्वल सी, और सी क्या है, जीरो से लेस है। मान लिया जो आपका एक पॉइंट है सी है, और सी क्या है, जीरो से छोटा है। इस पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए यदि हम सबसे पहले क्या है, इसकी लिमिट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे सेम ही आएगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स क्या टेंड्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सी माना है और सी का वैल्यू जीरो से लेस है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द वैल्यू, ठीक है, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, सी लिख देंगे हम एज एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी बाई सी, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या है आपका, मॉड ऑफ सी क्या, चूँकि जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव मतलब माइनस सी, ठीक है, एक्सटेंड टू सी, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई सी, क्या मिला, माइनस वन। हमने क्या देखा कि जो लिमिट है एक्स इक्वल सी लेस देन जीरो पे क्या आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो आपको लिमिट फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तभी तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस दिखा पाएंगे भाई, ठीक है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही दोनों सेम नहीं है तब वो डिसकंटिन्यूस हुआ ही नहीं, लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है तब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ सी रखते हैं, सी आपका क्या है, जीरो के बराबर है नहीं, मतलब सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या मिला, ये मिला मॉड ऑफ सी बाई मॉड ऑफ सी, ठीक है, सॉरी नीचे सी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी क्या जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है तो क्या आएगा, माइनस सी बाई सी, ठीक है, डिफिनेशन से बाई डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन सी से कैंसिल होगा माइनस वन। तो हमने क्या देखा कि लिमिट का वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए आपका जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल सी लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस क्या हो जाएगा, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस, क्या है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो, सॉरी एक्स इक्वल सी लेस देन जीरो। हमने क्या देखा, एक्स इक्वल सी लेस देन जीरो पर जो फंक्शन है आपका क्या, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लेस देन जीरो पे देखा, अब किस पर देखते हैं, हम ग्रेटर देन जीरो पर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्रेटर देन जीरो पर, ठीक है, चलिए देखते हैं,
सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हाँ थर्ड जो है इसको देखते हैं ग्रेटर देन जीरो, तो एट एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मतलब जो सी है वो जीरो से क्या है बड़ा है, हम इस पर लिमिट चेक करेंगे कि इस पर कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन आप लिख ही रहे हैं, लिख ही चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम लिमिट निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आई जी एक्स टेंस टू सी, और सी का वैल्यू क्या है जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन आई जी एक्स टेंस टू सी, ठीक है, जहाँ एफ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ सी बाई सी, ठीक है। चूंकि एक्स क्या है जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मॉडुलस बाय डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन ये निगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी बाई सी क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा सी, ठीक है। प्रॉब्लम लिख लेंगे, सी लिमिट ऑफ द फंक्शन सी बाई सी एज एक्स टेंस टू सी, तो सी में सी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा एक, तो क्या हुई आपकी लिमिट हुई। अब क्या निकालेंगे, एक्स इक्वल सी को वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ एक्स से वहाँ सी रखेंगे, तो चूंकि एक्स इक्वल एक्स जो सी है आपका जीरो से बड़ा है, जब यह सी जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ सी बाई सी, तो क्या मिलेगा इसका वैल्यू, सी बाई सी मतलब क्या मिला वन। तो हमने क्या देखा कि आपकी जो लिमिट है वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या है वन है, सेम है। क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। हमने क्या देखा, एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन जीरो पर भी आपका जो वैल्यू है और सॉरी जो पॉइंट है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मतलब आपका जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन मिला, केवल एक्स इक्वल जीरो पर आपका जो फंक्शन है वो क्या डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है क्या कंटिन्यूअस है, वो चाहे जीरो से छोटे हो या जीरो। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो फलन है इसका क्या निकालना है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना, मतलब असांतत्य बिंदुओं को क्या निकालना है कि ये जो फलन है ये किस बिंदु पर असांतत्य है, मतलब आपको क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है। आपको ये देखना है कि ये जो फलन है आपका फंक्शन है किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके भी जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जैसे तीन पॉइंट लिया था हमने, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और एक्स इक्वल जीरो, वैसे हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, किस पर लेते हैं, 8 एक्स इक्वल जीरो पर लेते हैं, ठीक है, 8 एक्स इक्वल जीरो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्या जीरो माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच, ठीक है, एज एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अब देखिए जीरो में से हम एच को घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो से कम आएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जीरो से कम है तो यहां ये हम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स के सामने जीरो माइनस एच रखेंगे, ठीक है, जीरो माइनस एच अपान, ठीक है, क्या लिखेंगे, जहाँ मॉड है वहाँ जीरो माइनस एच एज एच टेंस टू जीरो, एज एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, जीरो माइनस एच, तो क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन जीरो माइनस एच क्या मिलेगा, माइनस एच मिल जाएगा, ठीक है, एज एच टेंस टू जीरो, ठीक है।
अपान क्या मिल जाएगा, जीरो माइनस एच है अपान, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, चूंकि ये जीरो में से एच घटाएंगे तो वन से क्या आएगा छोटा आएगा, तो बाहर माइनस लग जाएगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ जैसे ई एक्स का वैल्यू लेस देन है तो एफ एक्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस एक्स होता है। यदि आपका फंक्शन कुछ इस तरीके परिभाषित है, ठीक है, तो बता चुके हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, यदि एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा। तो इतना एक्स मान लीजिए तो बाहर माइनस हो गया, अंदर क्या जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच आएगा, ठीक है, तो जीरो माइनस एच आया तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन माइनस एच बाई क्या हो जाएगा प्लस एच आई जी एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ क्या मिल गया, एच सी एच कैंसिल हो गया, माइनस वन आया, ठीक है। ये तो आपके क्या रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तब देख लेते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, क्या हो गया, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच 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 टेंस टू जीरो, ये मिला, ठीक है। अब देखिए जीरो में हम एच जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, यदि एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो क्या मिल रहा है, माइनस वन, यहाँ क्या मिला, माइनस वन। हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस वन है, राइट हैंड लिमिट भी माइनस वन है। अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकालें, एफ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रखेंगे, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जीरो है तब भी क्या मिला है, माइनस वन। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी सेम है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस मतलब चूंकि, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों क्या है, सेम है। देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो, मतलब आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो एट एक्स इक्वल जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये तो रहे आपके एक्स इक्वल जीरो पर, अब हम क्या निकालते हैं, लेस देन जीरो पर निकालते हैं और ग्रेटर देन जीरो पर, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब किस पर निकालते हैं, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो पर, तो आप सब स्क्रीन शॉट ले लेंगे भाई, ठीक है, तो प्रॉब्लम है तो चलिए। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, लेस देन जीरो पर निकालते हैं और ग्रेटर देन जीरो पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल सी लेस देन जीरो ले लिया हमने, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू सी, और सी क्या है आपका, जीरो से छोटा है, ठीक है, सी क्या है, जीरो से छोटा है। यदि एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है तो क्या हो जाए, एक्स बाई एक्स मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स टेंस टू सी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ देखिए एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि अब जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, सी रख देंगे आप, हम क्या रख देंगे, सी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या है, क्योंकि सी जो है जीरो से छोटा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, अभी बताया है, ठीक है। तो जहाँ सी है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, एज एक्स टेंस टू सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ माइनस वन आ गया। हमने क्या देखा, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, आ रही है, मतलब मिल रही है आपको। इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं। तो जहाँ अब सी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, सी, तो सी क्या है, जीरो से छोटा है तो फिर इसी में रख देंगे, ठीक है। तो सी बाई मॉड ऑफ सी, और सी का वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है, जब जीरो छोटा है तो हमने बताया कि इसका वैल्यू बाहर माइनस हो जाएगा, माइनस सी क्या मतलब, माइनस वन। तो हमने क्या देखा कि इसकी लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स टेंस टू सी इक्वल
वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है दोनों क्या है सेम है, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज क्या है कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल सी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो पे क्या है आपका ये जो क्या है फंक्शन है ये क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखते हैं ग्रेटर देन जीरो पर भी हम देख लेते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है चलिए देख लेते हैं ग्रेटर देन जीरो पर भी। तो देखिए तो यहाँ जीरो पर ग्रेटर देन क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, ठीक है चलिए ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम फिर वही लेंगे, ठीक है लिमिट यहाँ क्या हो जाएगा एक ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है अभी लेस देन लिया था अब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, सी क्या है जीरो से बड़ा है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एच एक्स टेंड्स टू सी, एच एक्स टेंड टू सी तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स क्या है आपका, यदि एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो आपको क्या मिल रहा है जो आपका फंक्शन है क्या मिल रहा है आपको एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी तो क्या मिल रहा है आपको, चूंकि सी क्या है जीरो से बड़ा है तो यहाँ पर जो एक्स है जीरो से बड़ा है तो क्या मिलेगा माइनस वन मिल जाएगा, क्या मिलेगा माइनस वन, मतलब इसकी लिमिट भी क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है माइनस वन मिल रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, हाँ अब इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, तो जहाँ एक्स है वहाँ सी रखेंगे और सी हम रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ठीक है तो चूंकि एक्स का जहाँ एक्स है सी है, सी क्या है जीरो से बड़ा है और एक्स जब जीरो से बड़ा है तो क्या मिलेगा माइनस वन। तो हमने क्या देखा इसकी लिमिट भी तो लिखेंगे सिंस लिमिट भी सेम है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फलन का मान दोनों क्या है सेम है, इसलिए जो फंक्शन आपका क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एच एक्स टेंड्स टू सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है क्या हो जाएगा देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो पर भी आपका जो वैल्यू है ये क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है चलिए आपका इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हेलो स्टूडेंट, ठीक है तो हम कौन सा प्रॉब्लम देखते हैं, अब जो टेंथ वाला प्रॉब्लम है इसे हम देख लेते हैं, ठीक है तो इसके कितने पॉइंट होंगे, एक्स इक्वल वन पर हम कंटिन्यूस निकालेंगे और एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर देन, तो यहाँ तीन पॉइंट यहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है तो तीन पॉइंट पर हम निकालेंगे, तो क्या फर्स्ट एट एक्स इक्वल वन पर हम निकालते हैं जो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, हमने बताया है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू वन माइनस, यह लिखेंगे वन माइनस लिखेंगे तो क्या हो गया लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा वन माइनस एच 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 टेंड्स टू जीरो, तो वन में से हम एच घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा एक से क्या आएगा छोटा आएगा, जब एक्स का वैल्यू एक से छोटा आएगा तो हम क्या लेंगे यहाँ लेंगे, ठीक है ये ले लेते हैं हम लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस वन माइनस एच हो गया, ठीक है होल स्क्वायर है और प्लस वन एज एच टेंड्स टू जीरो, इसे क्या कर देते हैं सॉल्व कर लेते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी है तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस वन, तो जहाँ ए अच्छे वहाँ जीरो रख दीजिए तो यहाँ जीरो तो वन और वन क्या मिला हमें दो मिलेगा, ठीक है चलिए अब हम क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या कर देंगे हम क्या करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू वन प्लस,
यही आपका वन प्लस है, क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन, जहाँ एक्स है वहाँ हो जाएगा वन प्लस एच एज एच टेंड्स टू जीरो। तो वन में जब हम एच जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू एक से ज़्यादा आएगा, जब एक्स का वैल्यू एक से ज़्यादा आएगा तब क्या लिखेंगे ये एक्स प्लस वन, ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे वन प्लस एच एंड प्लस वन, ठीक है, एज एच टेंड्स टू क्या मिला जीरो, ठीक है, तो क्या मिला यहाँ एच है तो यहाँ जीरो रख देंगे तो क्या मिल जाए वन ऑफ वन टू, यह हमें मिला, ठीक है। अब क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जहाँ एफ है जहाँ एक्स है वहाँ वन रखेंगे तो एक्स इक्वल वन पर क्या मिलेगा यही मिलेगा, जहाँ एक्स है वहाँ वन प्लस वन क्या मिला दो। तो हमने क्या देखा कि देखना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी सेम है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है सेम है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा देयर फॉर, तो सिंस के लिए साइन यूज कर लेंगे देयर फॉर, देयर फॉर द फंक्शन एफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल वन, मतलब एक्स इक्वल वन पर ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए अब कहाँ देख लेते हैं हम लेस देन जीरो पर और ग्रेटर सॉरी लेस देन वन और ग्रेटर देन वन पर देख लेते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप सब प्रॉब्लम है तो स्क्रीन शॉट ले लेंगे भाई, ठीक है, तो क्या ले लेते हैं हम, मान लेते हैं आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, तो जो पॉइंट है आपका सेकेंड वाला, ठीक है, तो क्या ले लिया x इक्वल सी लेस देन वन पर ले लिया, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे लिमिट वही निकालेंगे जैसे प्रीवियस में निकाला है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है, तो एफ एक्स सी क्या है वन से छोटा है तो वन से छोटे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे सी स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, जहाँ एक्स है वहाँ सी रख दिया तो क्या हो गया हमें जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दिया सी, ठीक है, क्या हो जाए सी स्क्वायर प्लस वन, तो हमें लिमिट इसका मिल भी रहा है लिमिट भी मिल रहा है। अब क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख सी, सी का वैल्यू क्या है वन से छोटा है तो यहाँ क्या लिखें जहाँ एक्स है वहाँ सी, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन। तो हमने क्या देखा लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है दोनों क्या है सेम है, ठीक है भाई, लिमिट निकालिए चाहे राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकालिए चाहे फिर ऐसे ही, ठीक है, तो क्या चाहे लिमिट निकालिए तो लिमिट भी एग्जिस्ट करने चाहिए और राइट हैंड लिमिट तो दोनों में से चाहे कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो लिमिट आपका और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या है सेम है, इसलिए क्या लिखेंगे लिखेंगे यहाँ सिंस लिख देंगे भाई, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे देयर फॉर the function fx is क्या है continuous at x equal c less than one, ठीक है, तो इस पर भी आपका क्या है continuous है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं x greater than पर ले लेते हैं, क्या लेते हैं x greater than वन पर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्स ग्रेटर देन वन पर भी हम देख लेते हैं, तो एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन वन, तो इस पर हम क्या देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू क्या है एक्स टेंड्स टू क्या है सी, और सी आपका सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेंगे क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे इसके लिए हम डायरेक्ट हम लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है, तो लिमिट निकालेंगे क्या हो जाए लिमिट ऑफ द फंक्शन जहाँ एफ एक्स है वहाँ क्या लिख देंगे हम सी, चूंकि एक से बड़ा है तो एक से बड़ा है तो क्या लिखेंगे एक्स प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, और जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे सी रख देंगे, तो यहाँ एक्स है तो सी प्लस वन, सी प्लस वन,
ठीक है। इसके बाद क्या निकालें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो जहां x है वहां c रख देंगे तो क्या लिखेंगे, और x का वैल्यू जो 1 है तो क्या हो जाएगा, c प्लस 1। हमने क्या देखा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट दोनों क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आई जी एक्स टेंस टू सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों सेम है, देयरफॉर द फंक्शन द फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन वन। इसलिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स इक्वल सी ग्रेटर देन वन पे क्या कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ठीक है,